नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होगी। संघ प्रमुख फिलहाल संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में गोरखपुर में है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को गोरखपुर में ही संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच एक अहम मुलाकात हो सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम का स्थापना दिवस आज है। आज कैंची धाम में बहुत बड़ा मेला लगता है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। कैंची धाम के स्थापना दिवस के दिन श्रद्धालुओं को मालपुए का प्रसाद बांटा जाता है। इस मेले में विदेशों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के बिजुआ क्षेत्र में शारदा नदी के रामनगर घाट पर अस्थायी पैंटून आज से बंद कर दिया जाएगा। इस पुल के बंद होने से 25,000 आबादी की दुश्वारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब इन लोगों को नदी के पार जाने के लिए 80 किलोमीटर का फेर बढ़ गया है। पैंटून पुल से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन आएंगे। वो दो दिन शहर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज उज्जैन आकर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण कार्य में शामिल हो। T20 विश्व कप 2024 में दक्षिण अफ्रीका की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम पहले ही जीत की हैट्रिक लगाकर सुपर 8 में जगह बना चुकी है। अब ICC T20 विश्व कप के ग्रुप डी मैच में साउथ अफ्रीका का आज नेपाल के साथ मैच है, जहां टीम नेपाल को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। जयपुर में सरसेका टाइगर रिजर्व के बाद अब सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर पार्क में सफारी करना भी महंगा हो सकता है। इससे पहले आज से सरसेका टाइगर रिजर्व के प्रवेश शुल्क में 10% बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है। यहां भारतीय पर्यटक को 67 रुपए प्रवेश शुल्क और 78 रुपए को सरचार्ज सहित कुल 145 रुपए दिन। टेक्सटाइल मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के साथ ही बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव जीतकर मंत्री बनने के बाद 4 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। UEFA यूरो कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। यूरो कप आज से शुरू हो रहा है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जर्मनी की मेजबानी में खेले जाने वाला ये फुटबॉल टूर्नामेंट 15 जुलाई तक खेला जाएगा। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहें। इस मामले में आज सुनवाई होगी। बिहार में आगामी आज और कल राजभवन में बिहार आमोदसव 2024 का आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बिहार राज्य में आम की विविधता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसकी जानकारी आम उत्पादन किसानों और अधिकांश लोगों को नहीं है। इसके माध्यम से आम के प्रचलित प्रभेदों के अलावा अन्य लुप्त होती किस्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1947 में आज के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी। साल 1982 में आज के दिन अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड में ब्रिटिश सेना से हार मानी थी। साल 1988 में आज के दिन नासा ने स्पेस वाहन S-213 लॉन्च किया था। साल 2004 में आज के दिन ब्रिटेन के साथ परमाणु सहयोग को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने मंजूरी दी थी। साल 2006 में आज के दिन भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।